What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to IFL. वेज झाल फ्रेजी आज बना रहा हूँ. अब नाम तो आपने सुना ही होगा, रेस्टोरेंट्स में बहुत ही फेमस रेसिपी है, काफ़ी ऑर्डर की जाती है. ये जो रेसिपी है झाल फ्रेजी, जो बांग्ला में झाल का मतलब स्पाइसी होता है, एक स्पाइसी स्टर फ्राई होती है. और ओरिजिनली ये डिश नॉन वेजिटेरियन थी, मीट से बनाई जाती, लेफ्ट ओवर मीट को स्टर फ्राई करके वेजिटेबल्स के साथ थोड़ा स्पाइस डालकर एक स्टर फ्राई डिश बनाई जाती थी ब्रिटिशर्स के ज़माने में. आजकल हमारे रेस्टोरेंट्स में इसके कई ज़्यादा वर्जन्स मिलते हैं, बट टेक्निकली इसमें एक चीज़ है कि तीखी होनी चाहिए, चटपटी होनी चाहिए और स्टर फ्राई मेथड से बननी चाहिए, ताकि इसके जो वेजिटेबल्स हैं वो एकदम क्रंची रहे. तो एकदम सिंपल रेसिपी एकदम फटाफट बन जाती है. वेज झाल फ्रेजी बनती कैसी है वो देख लेते हैं. पहले एक मसाला बनाने के लिए एक वॉक को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लीजिए. अब 2 से 3 टेबलस्पून इसमें तेल डालना है. तेल एक बार गर्म हो जाए तो 2 लाल मिर्चों को तोड़कर डाल दीजिए, 1/2 टीस्पून जीरा, 2 मीडियम साइज के प्याज चॉप किए हुए और 1 चॉप की हुई हरी मिर्च डालकर अभी मीडियम फ्लेम पर प्याज को आपको गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करना है. स्टर करते हुए मीडियम फ्लेम पर प्याज जब तक अच्छे से भून नहीं जाते तब तक अच्छे से भून लीजिए. एक बार प्याज को आपने भून लिया है तब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करनी है और पेस्ट डालने का अदरक लहसुन को भी 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है. अब फ्लेम लो करके कुछ मसाले ऐड करने हैं. 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, वो स्पाइसीनेस के लिए. इसमें हल्का सा गर्म पानी यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ ताकि मसाले जले नहीं. अब स्टर करते हुए मसाले को भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है. एक बबार आपने मसालों को भून लिया है तब यहाँ पर मैंने 3 टमाटरों को पीस के रखा है, तो ये टमाटरों की प्यूरी ऐड कर दीजिए. साथ में ही नमक ऐड कर दीजिए ताकि टमाटर जो हमारे जल्दी से पक जाएं. अच्छे से स्टर करके आपको टमाटरों को भून लेना है जब तक कि टमाटर का कच्चापन जो है वो दूर नहीं हो जाता है और हल्का सा जो मसाला है हमारा थिक नहीं हो जाता. बीच में टमाटर को पकाते समय आपको लगे कि मसाला ड्राई हो चुका है तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी आप ऐड कर सकते हैं फर्दर कुक करने के लिए. तो मैंने अच्छे से 10-12 मिनट के लिए इस मसाले को पका लिया है. आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी थिक हो गई है और टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं. अब मैं इसमें यहाँ पर थोड़ी सी केचप ऐड करता हूँ, 2 टेबलस्पून केचप ऐड कर दिए. रेस्टोरेंट्स में भी कई जगहों पर ऐड की जाती है, एक अच्छा चटपटा फ्लेवर इसमें आता है. और आप देख सकते हो इसको मिक्स करने के बाद ये हमारा जो झाल फ्रेजी का मसाला है ये रेडी हो चुका है. तो जो झाल फ्रेजी का मसाला हमने बनाया है ये रेस्टोरेंट्स में यूजुअली रेडी होता है, बना के रख लेते हैं और जब भी ऑर्डर आता है तो सब्जियों को टॉस किया जाता है और इस मसाले में मिक्स कर दिया जाता है. अब हमने भी वैसे ही कुछ प्रोग्राम बनाया है, यहाँ पर मसाला रेडी हो गया, अभी अलग से वॉक में सब्जियों को टॉस करके डालेंगे. सब्जियाँ झाल फ्रेजी के लिए यूजुअली जूलियंस में ऐसे बेटन्स में कट की जाती है, मतलब लंबी लंबी बस काटनी है, बहुत ज़्यादा टेक्निक आपको अप्लाई नहीं करनी है. गाजर, कैप्सिकम, फ्रेंच बीन्स, पत्ता गोभी, गोभी ले लीजिए, ये सारी वेजिटेबल्स यूजुअली झाल फ्रेजी में पड़ती है. आपको अगर कोई स्पेसिफिकली वेजिटेबल्स पसंद है, मशरूम्स हैं, जुकीनी है, कुछ भी डालना है, ब्रोकली है, वो भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. साथ में कई लोग पनीर भी डाल देते हैं, मैं पनीर आज नहीं डाल रहा हूँ, मैं बेसिक वेजिटेबल्स आज यूज़ कर रहा हूँ जो यूजुअली हमारे फ्रिज के अंदर पड़ी होती है. खाली जो कैप्सिकम है वो 3 रंग की यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो बस 1 रंग की भी कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं. तो बस फटाफट से अभी हमको सब्जियों को टॉस करना है, मसाले में मिलाएंगे और हमारी झाल फ्रेजी रेडी हो जाएगी. सब्जियां कैसे टॉस करनी है वो देख लेते हैं. एक वॉक को अच्छे से गर्म कर लेना है और फिर उसमें 1 टेबलस्पून तेल ऐड करना है. तेल गर्म हो जाए तब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा और 1/3 कप यहाँ पर ब्लांच की हुई गोभी ऐड कर रहा हूँ. गोभी को मैंने नमक वाले गर्म पानी से निकाल लिया था कि वो एकदम साफ हो जाए, तो गोभी को मैंने पहले यहाँ पर ऐड कर दिया क्योंकि गोभी को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है. हल्का सा एक पानी का छींटा मार दीजिए और फिर ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए आपको गोभी को पकाना है, या जब तक आपकी जो गोभी है वो पक नहीं जाती है गोभी को पका लीजिए. यहाँ पर लगभग 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन को निकाल रहा हूँ. गोभी हमारी जो है वो हल्की सी सॉफ्ट हो गई है. यहाँ पर गैस की फ्लेम को फिर से बढ़ाकर यहाँ पर 1/3 कप कैरेट के जूलियंस कट किए हैं वो ऐड कर दीजिए, 1/3 कप फ्रेंच बीन्स, 1/3 कप कैप्सिकम, 1/3 कप पीली वाली शिमला मिर्च, 1/3 कप लाल वाली शिमला मिर्च, 1/3 कप हरे मटर और 1/3 कप श्रेड की हुई कैबेज, पत्ता गोभी यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है. अब हाई फ्लेम पर हल्का सा आपको इन वेजिटेबल्स को टॉस कर लेना है. ध्यान दीजिए आपकी वेजिटेबल्स को आपको क्रंची रखना है, इसमें बाइट बनी रहनी चाहिए. बस 1-2 मिनट के लिए आपने सब्जियों को टॉस कर लिया है, फिर फ्लेम को लो करके 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, चुटकी भर गरम मसाला, 1 चुटकी चाट मसाला, 1 टीस्पून भुनी हुई कसूरी मेथी और 1 टेबलस्पून बटर डालकर बस अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए और 1 से 2 मिनट तक फिर से हाई फ्लेम करके आपको यहाँ पर सब्जियों को पका लेना है.
तो यहाँ पर एक बार आपने सब्जियों को अच्छे से टॉस कर लिया, अब इन टॉस की हुई सब्जियों को जो हमने मसाला तैयार किया था उसमें ट्रांसफर कर दीजिए। अब सेम वॉक में ही फिर से थोड़ा सा तेल डालकर हाई फ्लेम पर ही एक छोटे साइज का स्लाइस किया हुआ प्याज मैंने ऐड किया है और एक छोटा स्लाइस किया हुआ टमाटर मैंने ऐड किया है और बस हाई फ्लेम पर बस एक डेढ़ मिनट के लिए यहाँ पर टॉस करने वाला हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है लेकिन ये जो प्याज और टमाटर का जो क्रंच आता है और जो फ्लेवर आता है झाल फ्रेजी में मुझे बहुत पसंद है। तो बस हल्का सा आपने टॉस कर लिया प्याज और टमाटर को, इनको भी मसालों में बाकी सब्जियों के साथ ऐड कर दीजिए। अब बस सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक मसाले के साथ आपको पकाना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी है नहीं तो सब्जियाँ जो हैं वो ज़्यादा गल जाएंगी और झाल फ्रेजी का जो मज़ा है वो सब्जियों के क्रंच में ही है, ये बात का आपको ध्यान देना है। तो बस हल्का सा मैंने यहाँ पर स्टर करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिया है, ऊपर से थोड़ी सी भुनी हुई कसूरी मेथी पाउडर, एक चुटकी भर गरम मसाला और खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया डालकर अच्छे से स्टर कर लीजिए और आप देख सकते हो हमारी वेज झाल फ्रेजी रेडी हो गई है। लेट्स प्लेट इट YFL स्टाइल। वेज झाल फ्रेजी आपने देखा कितना आसान है घर पर बनाना और बहुत ही डिलिशियस लगती है, वो क्रंची क्रंची वेजिटेबल्स साथ में जो हमने प्याज और टमाटर डाले थे वो एक एडेड फ्लेवर दे देता है और एक टेक्सचर दे देता है जो मुझे बहुत पसंद है। और साथ में आप तंदूरी रोटी खाइए, रुमाली रोटी खाइए या घर की चपाती खाइए, बहुत मज़ा आएगा। एकदम क्विक टू मेक रेसिपी है और बहुत आसानी से बन जाती है, तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल वेज झाल फ्रेजी रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।